वाह यार, इस बार तो अच्छे पैसे मिल गए। अब तो मैं शॉपिंग पर जाऊंगी और खूब सारे कपड़े लेकर आऊंगी। अपने घर वालों के लिए भी तो लेने हैं। हाँ अनिकेत, सैलरी खत्म हो गई थी, अब कल दिवाली भी है, दिवाली का बोनस इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा? इस बार तुम्हें पता है कंपनी कितनी लॉस में जा रही है और मुझे नहीं लगता इस बार बोनस मिल पाएगा। मैं क्या बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ समझ नहीं आ रहा। दिवाली के दिन ही ये होना था, अब क्या कर सकते हैं। मैम पैसों की ज़रूरत थी, थोड़ी घर पे देने थे। पैसों की ज़रूरत तो अभी हमें भी है, बिजनेस एकदम नीचे जा रहा है और समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल ज़रूर मिल जाएगा तुम्हें बोनस। अभी तुम जा सकते हो क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम है, तो मैं एक बार भैया से पूछ लूँ पैसों के लिए। नहीं नहीं भैया से मत पूछना, तुम्हें तो पता है ना वो कितनी टेंशन में है, तो उनसे तो बिल्कुल भी मत पूछना। जो भी होगा बोनस का तो मुझसे ही पूछना, और मैंने तुम्हें बता दिया है। ये लो मिठाई का डब्बा, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम। आज तो बची गई भगवान। नीतू, लैपटॉप भी है, सारा सामान लगा दिया। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? यार सुनो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है ऑफिस में, ठीक है? अच्छा सुनो, मैंने ना अपने पूरे स्टाफ के लिए मिठाई और कुछ कैश बोनस के लिए मंगवा दिया है, तो एक काम करो, ये तुम कैश पकड़ो, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब में बारी बारी से बांट देना, और एक मिठाई का डब्बा ये ना, बाकी के डब्बे मैंने सब सोफे पर रख दिए। हाँ ठीक है, ठीक है ना? ध्यान से, एक एक को मिल जाना चाहिए। मैं निकलता हूँ, ठीक है? डोंट वरी, सबको मिल जाएगा, तुम जाओ। हाँ शाम में मिलते, ठीक है? बाय बाय। पैसों का तो पता नहीं, मिठाई ज़रूर मिल जाएगी। थैंक गॉड इतने पैसे तो मिले मुझे इस बार दिवाली में, वरना ये इतने कंजूस हैं कि पूछो मत। डब्बे ही बांट दूंगी बस, कैश कौन दे रहा है? हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ और घर पे क्या, कैसे हैं सब लोग? अच्छा हाँ, वो तो मुझे पता है दिक्कत। नहीं पैसों का मैं कर रहा हूँ। ये आवाज़ कैसी आ रही है रोने की? ये आवाज तो मुझे अनिकेत की लग रही है, क्या हुआ इसको यार? हाँ दिक्कत है, मुझे परेशानी पता है घर की, सोचा हमने भी था औरों की तरह दिवाली होगी, पर क्या कर सकते हैं। वो मैंने दीदी से बोला भी था, तो बोल रही थी भैया का इस बार बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, अब सोचो हमें तो पैसे नहीं मिले, भैया का कितना नुकसान हुआ, उनकी भी कैसे दिवाली रहेगी। हमारी इतना तो बोनस दिया यार, कितने लालची हैं लोग। अनिकेत जी सर, इधर आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुमने दोबारा जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया है क्या? नहीं सर। तुम क्या बकवास कर रहे हो अपने घर पर यार, और तुम बोल रहे हो कि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, कुछ तो शर्म करो। नहीं सर, ऐसा बोनस का कोई पैसे नहीं मिले इस बार। झूठ बोलने की हद होती है, सुबह ही तुम्हारा बोनस तुम्हें मिला है। मैंने दीदी से बोला भी था, दीदी ने कहा आप लॉस में चल रहे हैं इस टाइम, आपसे ना कहूं इस बात को। क्या? मैं कुछ देखता हूं। ठीक है सर। अरे तुम आ गए? हाँ। कैसी रही मीटिंग? अरे बहुत अमेजिंग, मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, हमारा स्टाफ है ना सारा काम पहले से अरेंज कर रखा था। चलो आ जाओ। चलो यार सारा काम, ये डब्बे अभी तक यहाँ क्यों रखे हैं? सबको बांटे नहीं क्या? नहीं वो एक्चुअली बट चुके हैं सबको डब्बे, कुछ स्टाफ रहता था जो कि कल दिवाली है ना, कल भी तो आएंगे तो उनके लिए ये बस, बाकी तो सबको दे दिए मैंने टाइम पर। अच्छा मुझे लगता है अनिकेत को नहीं मिला कुछ भी अभी तक। अनिकेत? तुमने बोनस दिया ना? उसको तो सबसे पहले मैंने सुबह बुलाकर दे दिया था, तुम्हारा खास जो है। एक बार पूछ लेता उससे है ना, शायद मुझे कोई कंफ्यूजन हुई होगी। अनिकेत तुम उससे क्यों पूछ रहे हो, उसको काम करने दो ना, मैंने दे दिया है उसको। कोई बात नहीं मेरी जान। अनिकेत मैं बोल रही हूँ ना, मैंने दे दिया है। सर बुलाया। अरे अनिकेत तुम्हारा बोनस तुम्हें मिल गया ना? क्या बात कर रहे हो, मैडम ने तुम्हें बोनस नहीं दिया? मिल तो गया तुम्हें सुबह, सबसे पहले तुम्हें ही दिया मैंने बोनस, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम आपने ही तो बोला था सर लॉस में चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा मैं लॉस में चल रहा हूँ? अरे कुछ भी बकवास कर रहा है ये, दिवाली के दिन झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती है? अनिकेत दोबारा झूठ मत बोलना, जाओ। दिवाली के दिन कैसे झूठ? तुषार, तुषार क्यों? सर तुषार तुम्हारा बोनस तुम्हें मिल गया ना? नहीं सर। तुम्हें बोनस नहीं मिला? नहीं सर। कितने झूठे हैं ये लोग सच में यार, मतलब सबको ना मैं जॉब से निकाल दूंगा, लालच की भी हद होती है। नहीं हाँ अब सुनो, अब से तुम सब जॉब से निकाले जाओगे, तुम्हारा सबका काम ये मैडम करेंगी, क्योंकि तुम सबका बोनस ना इन्हीं मैडम ने रख लिया है अपने पास। अरे इन बिचारों के पैसे तो मत मारो कम से कम,
ये दिन रात हमारे काम में लगे रहते हैं। छोटे से पैसों के लालच के लिए तुम कितना गिर सकती हो यार। इनका दिवाली बोनस तक नहीं दिया तुमने। मैं देने ही वाली थी वो। कब देने वाली थी? और झूठ बोल रही हो, शर्म आती है यार। मगर